मैं शैलेंद्र कुमार सिंह, वार्ड पार्षद 37, धनबाद नगर निगम। आज स्टार सिटी 24 न्यूज को मैं 3 वर्ष पूरे होने पर इस स्थापना दिवस पे उनको और उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। जिस तरह से ये खबरों को, सही खबरों को प्रकाशित करते आ रहे हैं, आगे भी हमारी शुभकामनाएं हैं कि ये इसी तरह काम करें। धनबाद में कैफे विद लाइब्रेरी, पढ़ाई के साथ लजीज व्यंजन का स्वाद चखते हुए करते हैं स्टूडेंट्स पढ़ाई। आईआईटी आईएसएम पास आउट छात्र संचालक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मेकिंग इंडिया स्किल डेवलपमेंट लोकल फॉर वोकल से प्रभावित होकर किए हैं इसका संचालन। धनबाद आईआईटी आईएसएम के स्टूडेंट अमन धनबाद में एक बुक कैफे चला रहे हैं, जिसे बुक कैफे इंजीनियरिंग स्टूडेंट पढ़ाई के साथ लजीज व्यंजन का भी लुत्फ उठा रहे हैं। छात्रों को पढ़ाई बोरिंग ना लगे, साथ खुद कुछ कर जाने की तमन्ना दिल में उठी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्किल डेवलपमेंट की बातों से अमन बेहद प्रभावित है, जिसके बाद उसने यह बुक कैफे की शुरुआत की। अमन मूल रूप से दिल्ली के रहने वाले हैं। आईआईटी आईएसएम से साल 2019 बीटेक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पास आउट है। प्लेसमेंट के तहत अमन का सिलेक्शन भी आईटी कंपनी में हुआ था। जिले की सरायढेला स्थित वेवली हाउस द ब्लडेड बुक कैफे इन दिनों चर्चा का विषय बना हुआ है। जैसा कि नाम में जिक्र है, बुक कैफे यानी किताबें पढ़ने के साथ साथ चाय, कॉफी और कई तरह के लजीज व्यंजन यहाँ मिलते हैं। इंजीनियरिंग समेत अन्य स्टूडेंट्स यहाँ पहुँचते हैं, पढ़ाई के साथ साथ वह खाने पीने की चीजें का भी लुत्फ उठाते हैं। यही नहीं, कई तरह के कार्यक्रम का भी आयोजन इस बुक कैफे में होता है। अपने संस्थान में पढ़ाई के दौरान स्टूडेंट्स थोड़ा बोरिंग हो जाते हैं, अपने छात्र जीवन में मैंने ऐसा महसूस किया। छात्रों को थोड़ा रिलैक्स होना भी बेहद जरूरी है, रिलैक्स के बाद उनके दिमाग में तरोताजा हो जाते हैं। पढ़ाई के दौरान जो कठिनाइयां या फिर जो छात्रों के साथ आने वाली समस्या को हमने महसूस किया, उसके बाद इस बुक कैफे का ख्याल मन में आया। अमन ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकल फॉर वोकल और स्वरोजगार से जोड़ने की बातों से हम बेहद प्रभावित हुए हैं। लगातार पीएम मोदी देश के युवाओं को नौकरी के पीछे भागने के बजाय स्वरोजगार के पीछे अपनी मेहनत और आइडिया लगाने के लिए प्रेरित करते रहे हैं। पीएम मोदी के स्वरोजगार से जोड़ने वाली बातों से हम बेहद प्रभावित हुए हैं। वहीं बुक कैफे में आने वाले छात्रों का कहना है कि कभी कभी संस्थान में रहकर हमें बोरिंग महसूस होने लगती है, जिसके बाद हम कुछ साथियों के साथ यहाँ पहुंच जाते हैं। पढ़ाई के लिए ग्रुप डिस्कशन करने में यह सबसे अच्छी जगह है। छात्रों ने यह भी कहा कि अमन सर आईआईटी आईएसएम से पास आउट है, उनका भी इंजीनियरिंग के क्षेत्र में बेहद अनुभव, बेहतर अनुभव रहा है। उनके द्वारा हमें पढ़ाई के लिए मार्गदर्शन किया जाता है। हम लोग का पहले से एक स्टार्टअप है webleybox.com, जिसमें हम लोग ऑल इंडिया बुक्स ही सेल करते हैं, और न्यू एंड ओल्ड। तो वो हम लोग का कॉलेज टाइम से स्टार्टअप है, और ये कैफ़े हम लोगों ने अभी न्यूली ओपन करा है। सो इट्स अ बुक कैफ़े, यू कैन, यहाँ पर लोग आते हैं, बैठते हैं, पढ़ते हैं और खाते हैं। इवेंट्स होते हैं, लोग यहाँ पर पोएट्री, ओपन माइक, स्टैंड अप शोज भी होते हैं। तो ये सब एक एंटरटेनमेंट और एजुकेशन का एक कॉम्बिनेशन है। ये हम बेसिकली दिल्ली से हैं, और यहाँ पर कॉलेज ही आए थे, और उसके बाद से भी आईएसएम में फॉर बीटेक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। और पास आउट होने के बाद हम लोग का एक्चुअली ऑफिस यहीं आईएसएम में ही था, इंक्यूबेशन सेंटर में। तो इस वजह से धनबाद में ही अभी हैं हम लोग। इट्स 7 ईयर्स। तो ये लाइब्रेरी नहीं है, एक कैफ़े है, बुक कैफ़े हम लोग इसको बोलते हैं, वेबली हाउस द ब्लेंडेड बुक कैफ़े।
तो मेन है कि जैसे हम लोग कहीं भी धनबाद में बाहर जाते हैं तो बहुत सारी जगह हैं खाने पीने की, लेकिन कभी आपको किसी के साथ बैठ के आराम से बातें करनी है या आराम से बैठना, टाइम पढ़ाई से टाइम करना रिलेटेड है, डिस्कस कर डिस्कस रहे करना है, कहीं प्रोजेक्ट हैं स्कूल के कहाँ बैठ के करें, या घर किसी के घर में पॉसिबल नहीं होता कि दोस्त हैं, तो ये एक ऐसा जगह है कि जहाँ आप फ्रेंड के साथ आराम से बैठ सकते हैं, हैंग आउट कर सकते हैं। तो वो हम लोग को तो कॉलेज टाइम में ये सब जगह ऐसा नहीं था, तो उसको सोचते हुए हम लोगों ने आगे ये ओपन करा। हाँ बहुत ज़्यादा, क्योंकि हम लोग जब 2018-19 में कॉलेज में थे तो उस टाइम पे मेक इन इंडिया वोकल फॉर लोकल का काफ़ी प्रमोशन हो रहा था, तो वो एक चीज़ काफ़ी अच्छी लगी। बिल्कुल बिल्कुल, उनका जो थॉट है मेक इन इंडिया उसको लेके आगे बढ़े हैं और काफ़ी अच्छा लगता है। यहाँ पर हम लोग का आईएसएम से लोग आते हैं, पीएमसीएस से आते हैं, बीआईटी सिंदरी से लोग, मेडिकल स्टूडेंट हाँ मेडिकल स्टूडेंट, बीआईटी सिंदरी के इंजीनियरिंग स्टूडेंट आते हैं, स्कूल स्टूडेंट्स काफ़ी आते हैं, कोचिंग के स्टूडेंट्स आते हैं, जो यहाँ आसपास सराडेला एक कोचिंग का हब है, यहाँ कोचिंग्स के बच्चे, सारे स्कूल्स के बच्चे, इवन छोटे छोटे बच्चे भी आते हैं 5-6 साल के, या फैमिलीज आती हैं मतलब अपना टाइम, पेरेंट्स भी लेके आते हाँ हैं। हाँ पेरेंट्स अपने बच्चों को लेके आते हैं कि ऐसी जगह, यहाँ बच्चों के लिए भी किताबें हैं, बच्चे उनको पढ़ते हैं। जैसे बात करें तो मतलब आपका रोमांटिक बुक हैं, बायोग्राफीज़ हैं अच्छे अच्छे लोगों की, बिल गेट्स, एलन मस्क, स्टार्टअप्स के ऊपर बुक्स हैं। कोर्स बुक नहीं है यहाँ पर, सिर्फ कहानियों के बुक है जो कोई भी पढ़ सकता है। अगर बच्चे चाहते हैं कि कॉमिक्स आती थी हम लोग के टाइम पे, तो कॉमिक्स हैं यहाँ पर बच्चों के लिए, चाचा चौधरी, चंपक, मतलब रीडिंग हैबिट डेवलप करने के लिए वो सारी बुकें हैं यहाँ पर। मेरे को वैसे धनबाद में 3 महीने हो गए और शायद 3 से 4 बार आ चुका हूँ यहाँ पर। यहाँ का माहौल मेरे को बहुत अच्छा लगता है, एक्चुअली ग्रुप स्टडी के लिए सबसे अच्छी जगह। ग्रुप स्टडी करते हैं, कुछ डिस्कशन करना होता है, कभी कुछ साथ में ऐसा कुछ करना होता है, इवेंट डिस्कस करना होता है, तो सब एक साथ यहाँ पे आ जाते हैं। अच्छा माहौल भी अच्छा है, सर भी अच्छे हैं, सर आईएसएम के पास आउट है सर, कुछ उनसे भी अनुभव मिलता है। यस सर, यहाँ पे हमें 3 महीने हो गए, यहाँ पे हम 3-4 बार आ चुके हैं। काफ़ी बार संडे को हम लोग नॉवल्स वगैरह पढ़ लेते हैं और खाना पीना भी हो जाता है बाहर का, तो अच्छा माहौल रहता है काफ़ी। आप है कहाँ से, कहाँ? मैं कोटा राजस्थान से हूँ और आईआईटी धनबाद में पढ़ रही हूँ अभी। आईटी आईएसएम के आप स्टूडेंट हैं? हाँ, जी। तो ये ग्रुप डिस्कशन भी हो जाता है, लजीज वेलकम? हाँ, सब जैसे अभी हम ग्रुप में आए हैं सब पढ़ भी लेते हैं, काफ़ी अच्छा चिल हो जाता है काफ़ी टाइम पे। जी ये अनुभव अपने पेरेंट्स से भी बताते होंगे कि धनबाद में कैसा कैफे है प्लस लाइब्रेरी? जी सर, ये भी हमारे कॉलेज के ही पास आउट हैं, तो काफ़ी अच्छा इनसे भी एक्सपीरियंस मिल जाता है, कॉलेज के बारे में बातें हो जाती है, अच्छा रहता है। यहाँ जो आप करते हैं वो अपने कलीग जो है जी सर पार्टी है आईएसएम आईटी, उनसे भी बताते हैं कि कैसा कैफे है जहाँ पर पढ़ाई के बेहतर माहौल है। जी सर, आईआईटी के काफ़ी सारे बच्चे यहीं आते हैं वीकेंड पे एंजॉय करने। यहाँ पर क्या सबसे अच्छा लगता है इस कैफे का? यहाँ पे आप पढ़ भी सकते हो, आप जैसे अभी हम बीच में काफ़ी देर पढ़ रहे थे, काफ़ी देर, फिर बीच में हमने कुछ खा पी लिया, फिर हम वापस से पढ़ लेंगे, 3-4 घंटे अच्छा टाइम स्पेंड कर सकते हैं हम, ग्रुप स्टडी भी हो जाती है। मतलब पढ़ाई जो बोरिंग था उसको एक इंटरेस्टिंग वे में प्रेजेंट कर रहे हैं सर, अच्छा लगता है। हाँ मतलब काफ़ी अच्छा लगता है कि हमारे कॉलेज के पास आउट हैं और मतलब इंस्पिरेशन मिलती है उनसे काफ़ी।